عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال في مقام آخر: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و تعریف بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق مناسب ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک مدبر و فانحار. بے شمار درود و سلام و رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی سورہ نساء سے دو آیتوں کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی روشنی میں آج کے اس درس کا موضوع ہے شادی خانہ آبادی یا خانہ بربادی. سب سے پہلے جو موضوع کا پہلا لفظ ہے نکاح شادی، اس کا لغوی معنی سمجھ لیں کہ لغت میں نکاح کے معنی کیا ہوتے ہیں. لغت میں نکاح کے معنی ہیں الضم ملنا، التداخل ایک دوسرے میں رشتہ داری کے اعتبار سے داخل ہونا. نکاح کیا کرتی ہے؟ نکاح دو اجنبیوں کو ملا دیتی ہے اور
दोनों को एक दूसरे के लिए रिश्तेदार बना देती है। ये इसका लुग़वी माना है। निकाह की शरीयत में बहुत अहमियत है और ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि इब्तिदाए इंसानियत से लेकर के सिलसिले नबूवत की सबसे आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की सुन्नत रही है। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगता है। आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उनके साथ उनकी बीवी हजरत हव्वा को भी पैदा किया और क्या फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस जन्नत के अंदर रहो और जो समझ में आए खाओ पियो मज़ा करो। एक दरख्त है जिसके करीब नहीं जाना। तो बात क्या मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम के साथ उनकी बीवी का तज़किरा फरमाया, या आदम उस्कुन अंता, ऐ आदम तू वज़ौजुका और तेरी बीवी। ये बात समझ में आ गई कि इस निकाह का सिलसिला ये सबसे पहले आदमियत की इब्तिदा जहाँ से है वहाँ से इस निकाह का सिलसिला है। आदम और उनकी बीवी को जन्नत में अल्लाह ताला ने रहने के लिए कहा। इसी तरीके से इसकी अहमियत के पेश नज़र आप देख लें, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बाकायदा लफ्ज़ निकाह को इस्तेमाल किया है कुरान मजीद सूरह कसस के अंदर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियां बकरियों को पानी पिलाने के लिए आईं, चरवाहे पानी पिला रहे थे, वो एक किनारे गोशे में खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लड़कियां गोशे में खड़ी हैं, पूछा ऐसा क्यों है, तो उन लड़कियों ने ये कहा कि जब ये चरवाहे पानी पिला के चले जाते हैं तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाते हैं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। जब वो लड़कियां अपने बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती हैं तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस आदमी को जाओ बुला लाओ जिसने तुम्हारी बकरियों को पानी पिलाया है। सूरह कसस 20वें पारे के अंदर बड़ी तफसील के साथ ये वाक़या फैला हुआ है। चुनांचे जब वो लड़कियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास लेकर के पहुंचती हैं तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन दोनों लड़कियों में से किसी एक की मैं तुझसे निकाह कर देता हूँ। लफ्ज़ निकाह को इस्तेमाल किया और इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदबनतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से किसी एक की तुझसे निकाह कर दूँ। 8 साल बकरियां चराने के एवज ये महर है तेरा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का महर ठहरा और 8 साल बकरियां चराने पर उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों में से किसी एक की निकाह करने के लिए इरादा जाहिर किया। तो क्या समझ में आया कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी है ये निकाह, जिसे अल्लाह ताला ने
कुरान में बयान फरमाया और लफ्ज़े निकाह से याद किया। इसी तरीके से आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً कि हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल इस दुनिया के अंदर भेजा उन वो तमाम अंबिया और रसूल निकाह वाले थे, बीवी वाले और वज़ुर्रिया और बच्चों वाले, यानी बीवी बच्चे उनके यहाँ मौजूद थे जितने भी अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए। ये अल्लाह ताला ने इस मसले को वाज़ह करके निकाह की अहमियत को वाज़ह कर दिया है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिलसिले की जितनी कड़ियाँ हैं उन तमाम शरीयतों में निकाह का सिलसिला जारी रहा और निकाह शरीयत का एक अहम मसला बनी रही। वलकद अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिया। इसी तरीके से आप देखिए शरीयत मुहम्मदिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया फन्किहु मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि औरतों में से जो तुम्हें अच्छी और भली लगे फन के हु तो तुम उससे निकाह करो। बाकायदा हुक्म दिया गया है निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें अच्छी और बड़ी लगे। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया वान के हुन अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम्हारे मातहत जो औरतें हैं उनकी तुम निकाह करा दो। बाकायदा वलियों को यह हुक्म है, जिम्मेदारों को, कि जो भी औरतें तुम्हारे मातहती में हैं उन मातहत औरतों की तुम निकाह करा दो, यानी जिम्मेदारों को यह हुक्म दिया गया। इससे भी निकाह की अहमियत समझ में आती है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के पास तीन लोगों पर मुश्तमिल एक जमात आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत के ताल्लुक से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में हमें बताइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों के बारे में जब उनको बताया गया तो उन्होंने अपनी इबादत को बिल्कुल नाकिस समझा, कुछ नहीं समझा, कान्नहुम तवाल्लुहा, ऐसा लग रहा था कि उनकी इबादत कुछ है ही नहीं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली सारी लफ्जिशें माफ थी, इसके बावजूद आप इतने ज्यादा इबादत गुजार थे। चुनांचे उसमें से एक ने कहा अना उसल्ली लैल अबदा, अब मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा अना असूमु फला उफ्तिरु अबदा, अब मैं रोजा ही रखूंगा इफ्तार नहीं करूंगा। एक ने कहा अना अतज़िलुन निसा फला अतज़व्वजु, अब मैं औरतों से इलाहदा रहूंगा और मैं कभी निकाह नहीं करूंगा। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तीनों के बारे में सवाल किया अंतुमुल लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम तीनों ने किसी इस तरह की बात कही है, यानी रात भर नमाज पढ़ूंगा सोऊंगा नहीं, अब रोज़ा रखूंगा इफ्तार नहीं करूंगा, अब औरतों से निकाह नहीं करूंगा, क्या ये बात तुम लोगों ने कही। उन्होंने कहा जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाही व अत्ताकुम लहू, मैं तुम में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, लेकिन उसल्ली व अरकुदु, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, असूमु व उफ्तिरु, रोजा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजुन निसा, औरतों से निकाह भी करता हूँ,
فمن رغب عن سنتي فليس مني جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے ان تینوں آدمیوں کا پلان کیا تھا ہاں سادھو بننے کا پلان تھا نہیں ان تینوں آدمیوں کا پروگرام یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی جائے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لیا جائے عورتوں سے علیحدہ رہیں گے تو عبادت زیادہ ہوگی اس نیت و ارادے سے انہوں نے یہ بات کہی لیکن چونکہ ان کا طریقہ ان کی عبادت ان کا روزہ یہ سب کچھ طریقہ محمدی سے چونکہ ہٹا ہوا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھے جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے روزہ رکھے جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے عورتوں سے احتسال کرے علیحدگی اختیار کرے نکاح نہ کرے فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے اعراض کرے جو میرے طریقے سے اعراض کرے جو میری لائی ہوئی شریعت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے یعنی مسلمان نہیں ہے اور کیا مفہوم لیں گے جو طریقے نبوی سے ہٹا ہوا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ دے دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو نکاح کی اہمیت اتنا زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے ان تمام باتوں سے نکاح کی اہمیت اور اس کا شریعت میں مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے اب نکاح کی دوسری شق دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے نکاح کا فائدہ کیا ہے وہ فائدہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ مرد کو سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان اس نکاح کے ذریعہ فائدہ اٹھاتا ہے سکون حاصل کرتا ہے اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا زندگی میں سکون میسر ہو سکتا ہے نہیں ہزار دولت ہو آدمی کے پاس ہزار نعمتیں ہوں اس کے پاس ہزار بنگلے اور کوٹھیاں بنا لے لیکن اگر اس کی نکاح کسی عورت سے نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ دولت وہ نعمت وہ کوٹھیاں کسی کام کی نہیں ہے سکون زندگی کا اٹھ جاتا ہے اور چین چھین لیا جاتا ہے آپ کو بتاؤں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے حوا نہیں تھی آدم کو اچھا لگ رہا تھا جنت میں کسی چیز کی کمی تھی نہیں لیکن جنت جو تمام نعمتوں سے بھری تھی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا چین و سکون اڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز پیدا کر دے جو میری زندگی کا سکون بن سکے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا تو بیوی کی غیر موجودگی میں جنت کی نعمتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں اور بیوی کی موجودگی میں دنیا کا یہ ویرانہ بھی اچھا لگ رہا تھا جب جنت سے اتار دیے گئے زمین پر تو کون تھا انسانوں کی کوئی لسٹ تھی انسان کا کوئی وجود تھا دنیا کے اندر نہیں لیکن چونکہ بیوی ساتھ میں تھی اس لیے دنیا کا ویرانہ بھی انہیں اچھا لگا اور اس ویرانے میں بھی اچھا بھلا لگ رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو بنایا عورتوں کو بنایا
और निकाह में औरत है ही नहीं, निकाह है ही नहीं, तो फिर सुकून जिंदगी का कहां से आ सकता है? जब अल्लाह ताला ने स्पेशल उसे सुकून ही के लिए बनाया, लियस्कुना इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, और वो सुकून की जो चीज है वो आपके पास है ही नहीं, तो फिर सुकून कहां से मिलेगा? अल्लाह ताला ने आदम के सुकून के लिए पैदा किया और आदम के बाद आने वाली सारी इंसानियत के लिए, यहां तक कि सुबह कयामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों के लिए सुकून का एक बेहतरीन जरिया निकाह और निकाह के साथ जुड़ने वाली बीवी को बनाया। अगर बीवी नहीं है तो आप देखिए 60 साल के बाद भी अगर बीवी मर जाती है तो आदमी के पास बच्चे हैं, उसकी बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, घर है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट वहां से गायब है जिससे उसकी जिंदगी का सारा पॉइंट सीज हो चुका है और वो बेचैन सा रहता है, जबकि सारी चीजें उसकी हैं, लेकिन एक पॉइंट गायब है, क्या? बीवी नहीं है। तो निकाह का ये फायदा है कि निकाह के जरिया इंसान सुकून हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरे रूम के अंदर एक जगह फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे ही में से तुम्हारा एक जोड़ा बनाया, और जोड़ा बनाने के बाद वजअला बैनकुम मवद्दतन वरहमा, और तुम्हारे दरमियान, यानी तुम्हारा वो जो जोड़ा है, उस जोड़े के दरमियान अल्लाह ताला ने बेपनाह मोहब्बत रख दी और एक दूसरे का हमदर्द और गमखार बना दिया। ये चीज कहां से हासिल हुई? निकाह के जरिए हासिल हुई, वरना एक पार्टनर दूसरे के साथ ज्यादा दिन गुजार नहीं सकता है। कितने दिनों तक गुजार सकता है? मामूली 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मियां बीवी ये रिश्ता इस कदर मजबूत हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस रहमत की बुनियाद पर जो मोहब्बत अल्लाह ताला इस निकाह के जरिए डालता है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक ये रिश्ता बाकी रहता है, आखिरी सांस, यहां तक कि जिंदगी हथकोले ले रही होती है वहां भी बीवी मौजूद होती है। तो अल्लाह ताला की यह मेहरबानी है कि उसने निकाह के जरिया बीवी और शौहर के दरमियान इस कदर मोहब्बत को डाल दिया और अपनी मेहरबानी से दोनों को एक दूसरे का हमदर्द और गमखार बना दिया कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम युरा लिल मुतहाद बैनी मिस्रुन निकाह, कि दो आपस में निकाह करने वालों की तरह मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है। दो आपस में निकाह करने वाले जिस तरह से आपस में मोहब्बत करते हैं ऐसी कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं, ये बेमिसाल मोहब्बत है। कैसे? आप तजर्बा करते होंगे, अंदाजा लगाइए कि एक लड़की जो किसी मोहल्ले में पैदा होती है, उस मोहल्ले की गलियां जहां वो घरौंदे खेलती है, बच्चों के साथ बचपना गुजारती है, उन गलियों की मोहब्बत को कुर्बान करती है और माँ की मोहब्बत को, बाप की मोहब्बत को, भाई की मोहब्बत को,
और रिश्तेदार, कुंबा और कबीला इन सारी मोहब्बतों को कुर्बान करते हुए शौहर के साथ जिंदगी गुजारने पर रजामंद हो जाती है, रजामंद हो जाती है। शौहर जहां चाहे उसको ले करके रहे, चाहे समंदर पार रहे और चाहे समंदर इस पार रहे, दुनिया के जिस भी गोशे में वो रहना चाहता है, बीवी अपने तमाम रिश्तों को छोड़ करके और तमाम मोहब्बतों पर शौहर की मोहब्बत को तरजीह दे करके उसके साथ जिंदगी गुजारने पर रजामंद है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम युरालिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, जो आपस में निकाह करने वालों की तरह मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है, कोई मिसाल नहीं। और आप देख लीजिए तजर्बे की रोशनी में, तो इससे क्या फायदा हुआ? एक फायदा तो यह हो गया कि इससे सुकून हासिल होता है और आपस में मोहब्बत और इसार हमदर्दी और गमखारी पैदा होती है। दूसरा फायदा इसका यह है कि इससे नस्ले इंसानी की बका है। अगर निकाह ना हो तो दुनिया से इंसानों की नस्लों का सफाया हो जाएगा, नस्लें खत्म हो जाएंगी, दुनिया वीरान हो जाएगी और नस्ले इंसानी का वजूद इस दुनिया से, इस सफाया हस्ती से मिट जाएगा। ये निकाह है जो इंसानी वजूद को इस दुनिया में, इस जमीन पर बाकी रखे हुए है, वरना बगैर निकाह के चीज मुमकिन नहीं। आप देखिए हर आदमी की तमन्ना होती है कि हमारे यहाँ कोई हमारा वारिस पैदा हो जाए, जो हमारी दुकान का मालिक हो जाए, मकान का मालिक हो जाए, बिजनेस का मालिक हो जाए, कोई वारिस पैदा हो जाए। ये तमन्ना हर शख्स को होती है, लेकिन ये तमन्ना पूरी कब होगी? जब निकाह होगा। निकाह के बगैर वारिस के पैदाइश की तमन्ना ये फजूल है। ये निकाह ही है जो आपके यहाँ किसी वारिस को पैदा करती है और आपकी मीरास का उसे मालिक बनाती है। अगर ये ना हो तो इंसानियत सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाएगी और ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। नस्ले इंसानी की बका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक औरत से निकाह करना चाहता हूँ जो बहुत हसीन व जमील है और अच्छे हसब नसब वाली है, लेकिन उसमें एक फोल्ड है। फोल्ड क्या है? वो बच्चों को जन्म देने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। फिर आया, फिर आपने उसको कहा नहीं। फिर आया तीसरी बार, उसने जब कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब देते हुए फरमाया, क्या? तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फइन्नी मुकासिरुम बिकुम अल उमम, कि तुम उस औरत से निकाह करो जो बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हो और शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, इसलिए कि कल कयामत के दिन मैं तमाम उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत तमाम नबियों से सबसे बड़ी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र कब करेंगे? जब निकाह होगा और बच्चों की अफजाइश और उसके अंदर नस्लों में इजाफा होगा, तब ये सिलसिला, तब ये बात वाज़े होगी, वरना कैसे हो सकती है। इस हदीस से एक मसला वाज़े हुआ, क्या? कि सिर्फ आदमी ऐशो मस्ती के लिए निकाह करना अगर चाहता है तो निकाह जायज नहीं। सिर्फ लुत्फ लेने के लिए निकाह दुरुस्त नहीं है,
इसलिए कि निकाह का मकसद क्या है, वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, इस निकाह के जरिया अल्लाह ताला ने बहुत सारे मर्द और औरत को दुनिया में फैला दिया है और बहुत सारे इंसानों को आपस में रिश्तों में जोड़ दिया है, जिन रिश्तेदारियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कब कयामत के दिन सवाल जवाब करेगा। इसका मकसद है ये, और इस मकसद से उतर करके आदमी सिर्फ लुत्फ लेने के लिए निकाह करना चाहता है तो उसके लिए निकाह दुरुस्त नहीं। अलबत्ता मकसद ये ना हो फिर अल्लाह ताला की मर्जी पर उस मसले को छोड़ दे, नस्लें बढ़ें या ना बढ़ें वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देगा, उसकी मंशा के मुताबिक होगा। लेकिन मकसद ये बना लिया जाए तो ये गलत है, ये सही नहीं है। दो फायदे समझ में आ गए, एक तो सुकून हासिल करना, दूसरे नस्ले इंसानी की बका। तीसरा फायदा इसका ये है कि ये निगाहों को पस्त कर देती है, निगाह इंसानों की पस्त हो जाती है। और जिनाकारी की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? निगाह। जिनाकारी का सबसे पहला दरवाजा वो क्या है? निगाह। आदमी पहले बद निगाह होता है, उसके बाद बदचलन और बदअमल होता है। पहले बद निगाह होता है। शरीयत ने इस निकाह के जरिया जिनाकारी के सबसे पहले दरवाजे और सबसे पहली सीढ़ी को बंद कर दिया, ये कहकर के ये निकाह फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल्बसर, ये निकाह इंसानों की निगाह को पस्त कर देती है। और ये अपनी बीवी बच्चों में मसरूफ हो जाता है, अब उसे दुनिया की कोई भी औरत अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हैं। और अगर निकाह के बावजूद अगर किसी की निगाह पस्त नहीं हो रही है तो फिर ऐसी सूरत में बज़ाहिर वो आदमी इंसान है लेकिन नफ्सियाती तौर पर उसके अंदर कुत्तों का नफ्स मौजूद होता है, जो इंतहमिल अलैही यलहस औ तत्रुकुहु यलहस, उतार दो तो भी, लाद दो तो भी, इस तरह का अंदाज है। यानी बोझ उसके ऊपर लादो तो भी हांफता है और बोझ उतार दो तो भी हांफता है, उसकी फितरत है हांफने की। इसलिए अगर ये फायदा नहीं पहुंचा रही है और निगाह पस्त नहीं हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आदमी को अपने नफ्स की तरफ मुराजा करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ईमान कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए ये फायदा है फाइन न हो अगर तुलिल बसर, ये निकाह निगाहों को पस्त कर देती है। चौथा फायदा ये है कि शर्मगाह की हिफाजत करती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अज़मनुली बैन लिहयैही व बैन रिजलैही अज़मनु लहुल जन्ना, जो मुझसे अपने दो जबड़ों के बीच में चलने वाली जबान की और शर्मगाह की जमानत ले ले, उसके इस्लाह की जमानत ले ले, तो मैं उसके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट देता हूं। अज़मनु लहुल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। इतना आसान काम है लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। जबान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत किसने की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए जन्नत की जमानत ले लें तो क्या ये पॉइंट आउट हो सकता है? कभी नहीं आउट होगा, ये राइट होगा। लेकिन हम अपने शर्मगाह और जबान की हिफाजत नहीं कर पाते, ये हमारी कमी है, चाहे ईमानी कमी कह लीजिए चाहे। इस शर्मगाह की हिफाजत कैसे होती है?
निकाह के जरिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह अहसनु लिल फर्ज, वो निगाहों को पस्त करती है और शर्मगाह की हिफाजत करती है, ये फायदा है इसका। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में न शर्मगाह की हिफाजत हो पाएगी और न निगाह की हिफाजत हो पाएगी। ये फवाइद है इसके, दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई। एक पॉइंट तो समझ में आ गई कि इसकी अहमियत क्या है, दूसरी पॉइंट समझ में आ गई कि इसका फायदा क्या है, तीसरा पॉइंट ये ले लीजिए कि इसका मेयार क्या है, निकाह का मेयार क्या है, शरीयत ने क्या मेयार दिया और आज हम कौन से मेयार की तलाश में हैं, बताइए। आज हमारा समाज मौजूदा माहौल में क्या चीज तलाश करता है, चौधरी चौधरी ढूंढ रहा है, मियां मियां ढूंढ रहा है, खान साहब को ढूंढ रहे हैं, मलिक मलिक को ढूंढ रहा है, तेली तेली ढूंढ रहा है, अंसारी अंसारी को ढूंढ रहा है, अमीर अमीर को, गरीब गरीब को ढूंढ रहा है। ये हमारा मेयार है, जिस मेयार को लेकर के हम शादियां तलाश करते हैं और निकाह के लिए लड़का और लड़की ढूंढते हैं, ये हमारा मेयार है। क्या शरीयत ने भी यही मेयार बताया है? शरीयत के मेयार से चूंकि हम हट गए, इसलिए हमें अपने मेयार का कोई रिश्ता ही नहीं मिलता, इसलिए हमारी लड़कियां घरों में बैठी पड़ी सड़ रही, कोई पूछने वाला नहीं मिलता, इसलिए कि हमारा मेयार शरीयत से हटा हुआ मेयार है। शरीयत ने क्या मेयार दिया? आओ देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा आताकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अज़ीम। जब तुम्हारे पास कोई खितबा लेकर के आए, कोई निकाह का पैगाम लेकर के आए, तुम्हारी बेटियों के लिए, तुम्हारी बहनों के लिए, तो उस निकाह का पैगाम लाने वाले के हालात का जायजा लीजिए कि वो दीनदार है कि नहीं, अखलाकमंद है कि नहीं, तकवे से मुजयन है कि नहीं। अगर तकवा, किरदार, अखलाक और दीनदारी, दीन पसंदी उसके अंदर मौजूद है तो फिर उसकी जात पात का सवाल न कीजिए, फज़व्विजूहु उससे निकाह कीजिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया में फितना होगा, फसाद होगा जो पूरी दुनिया को घेर लेगा। आज देखिए, आज उस मेयार, इस मेयार को लेकर के कौन ढूंढ रहा होता है? ये कोई ऐसा मेयार ढूंढता है कि कोई लड़का मिल जाए जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसके किरदार अच्छे हो, दीन पसंद हो, तकवा से मुजयन हो, ऐसा मेयार लेके कोई ढूंढता है? नहीं, बल्कि आज हम जिस मेयार को लेकर के ढूंढते हैं, सबसे पहला निशाना होता है कि खान जो जिस जात का है उसी जात और बिरादरी के लड़के की तलाश करता है। और अगर बिरादरी मिल गई तो फिर दुकान क्या है, दुकान है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं, मकान है कि नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता कि बच्चा नमाज पढ़ता है कि नहीं, कुरान की तिलावत करता है कि नहीं, वो दीन से शगफ रखता है कि नहीं, दीन के ताल्लुक से, दीन से उसके रिश्ते कितना मजबूत है, इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया जाता। सवाल क्या किया जाता है कि उसके पास क्या क्या है, घर है, मकान है, दुकान है कि नहीं है, धंधा क्या करता है, बिजनेस क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन ये सवाल नहीं किया जाता कि दीन से उसके कितने रिश्ते मजबूत हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। इसलिए हमें रिश्ता मेयार के हिसाब से नहीं मिल पाता, हम तलाश करते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ मेयार क्या है? तकवा, दीनदारी और अखलाकमंदी, ये अल्लाह ताला के यहाँ मेयार है। जो मेयार उसने अपने नबी को देकर के इस दुनिया में भेजा, जिस मेयार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, हजरते बिलाल हबशी, ये कौन है? ये गुलाम है, गुलाम
हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ये एक ऊंचे कबीले के इंतहाई मालदार एक सहाबी हैं जो राह खुदा में बेदरेक अपने माल को खर्च करने वाले। अब्दुल रहमान बिन औफ हजरत बिलाल हबशी और अब्दुल रहमान बिन औफ के दरमियान जाहिरी तौर पर जो हम मेयार लेके ढूंढ रहे हैं कोई मुआफ़कत नजर आती है, कोई मुआफ़कत नहीं है। वो बिलाल हबशी हैं, गुलाम हैं, काले कलूटे हैं और अब्दुल रहमान बिन औफ ये ऊंचे खानदान के बुलंद खानदान के मालदार भी हैं और राह खुदा में बेपनाह दौलत खर्च भी करने वाले एक सहाबी सहाबी रसूल हैं। उनकी बहन का रिश्ता किससे होता है? बिलाल हबशी से। बताइए कोई मेयार है? आप जो मेयार हम ढूंढ रहे हैं उसमें से कोई चीज पाई जाती है? नहीं। लेकिन शरीयत जो मेयार मुतय्यन करती है दीन अखलाक तक्वा ये मेयार उनके यहां मौजूद था। अगरचे वो गुलाम थे हबशी थे लेकिन दीन और अखलाक और तक्वा ये मेयार जो शरीयत ने मुतय्यन किया है ये उनके यहां मौजूद था। आप वो वाकया याद कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खड़ाओं की आवाज जन्नत में जाते हुए सुनी। बताइए ये मेयार था और आज भी यही मेयार है लेकिन इस मेयार से हट करके हम अलग अलग तरीका अपनाए हुए। बर्बादी नहीं होगी, आबादी होगी। जब शरीयत के मेयार से हम हट जाएंगे तो हमारी खाना आबादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी हो जाएगी। फिर वही होगा कि चौधरी साहब की लड़की आपके घर में आएगी और उधम मचा देगी। क्यों? इसलिए कि दीन से उसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसे गाड़ी चाहिए, फिर अकेले घूमने के लिए चाहिए, तो फिर पिकनिक चाहिए, तो फलाना चाहिए, तो धमाका चाहिए और किचन पर खड़े होकर के कोई भी काम नहीं कर सकती है वो। क्यों? इसलिए कि दीन से उसका कोई रिश्ता कोई लगाव नहीं। लड़की अगरचे गरीब हो लेकिन दीनी माहौल में पड़ी हुई लड़की हो तो आपके घर को जन्नत बना देगी। वरना समझ लीजिए कि टेंशन की गोली खा खा करके सोना पड़ेगा फिर क्या होगा। आपको एक वाक्य बता दूं, मेयार जो शरीयत ने मुतय्यन किया, हजरत ज़ैद ये एक सहाबी हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरे अहज़ाब 22वें पारे में दूसरे सफ़े पे आप उठा करके देखेंगे कुरान तो आपको मिलेगा। ज़ैद का बाकायदा ज़ैद नाम लिया अल्लाह ताला ने। ये ज़ैद गुलाम हैं और इनकी निकाह किससे हुई? कुरैश की एक आला कबीले की लड़की, कबीले कुरैश की एक लड़की इंतहाई हसीन और जमील ज़ैनब बिनते जहश से ज़ैद की निकाह होती है। जबकि ज़ैद गुलाम है और इनकी कोई हैसियत नहीं है खानदानी एतबार से और किसी भी एतबार से, लेकिन चूंकि अखलाक और किरदार और तकवा जो शरीयत ने मेयार मुतय्यन किया था वो मेयार हजरत ज़ैद के अंदर मौजूद था, इसलिए कुरैश की एक आला कबीले की लड़की हजरत ज़ैद से निकाह में आती है। बाद में ज़ैद ने तलाक दिया फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई। तो वाज़े ये करना है कि शरीयत जो मेयार देती है उस मेयार के हिसाब से रिश्ता तलाश किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां पैदा फरमा देगा। लेकिन मेयार से जब हट जाएंगे तो फिर अब ढूंढते रहो कि चौधरी को चौधरी कहाँ मिलेगा और अंसारी को अंसारी कहाँ मिलेगा। हाँ, ये है लड़कों का मेयार। लड़कियों का मेयार क्या है? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चार चीज़ें ऐसी हैं जिसको मद्देनजर रख करके लोग निकाह करते हैं। चार चीज़ें क्या हैं? लिमालिहा, मालदारी, ये लड़की बहुत मालदार है इससे निकाह कर लोगे तो फ्लैट मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी, बैंक बैलेंस भी इसका मिल जाएगा हमें,
उसकी माल की वजह से निकाह कर लो। दीन है कि नहीं से कोई सरोकार नहीं, माल को बुनियाद बनाया जाता है। वली जमालिहा और उसकी खूबसूरती को मेयार बनाया जाता है कि बहुत ब्यूटीफुल लड़की है इससे निकाह कर लो, ब्यूटीफुल तलाश कर, है ना। और इस जमाने की ब्यूटीफुल लड़की कौन है जानते हैं, जिसके बड़े बड़े नाखून हो और जींस पैंट और टी शर्ट में चलती हो और ऊंचे हील की सैंडल हो, बस में कहीं ट्रेन में नजर आती हो, ये ब्यूटीफुल है। ये इस दौर के हिसाब से कहते हैं बड़ी ब्यूटीफुल लड़की है। वली जमा लिया उसकी हुस्न व खूबसूरती के हिसाब से लोग उससे निकाह करने की तमन्ना करते हैं। और वली हसबिहा और उसके बुलंद खानदान होने के हिसाब से लोग निकाह करते हैं कि ये फलाने चौधरी और मातो साहब की लड़की है, इसके लिए इनसे निकाह कर लिया जाए। अब वो इस्लामी तरबियत है कि नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं। ये चूंकि महतो की लड़की है और फलाने चौधरी साहब की, इसलिए इसे निकाह किया जाए, बुलंद खानदान की है। वली दीनिहा और दीनदारी की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं, निकाह करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों चीजों का तज़किरा करने के बाद आपने फरमाया कि अगर अपने घर को आबाद करना चाहते हो इस निकाह और शादी के जरिया और बर्बादी से बचाना चाहते हो तो फसफर बिजाति दीन तरीबती अदा का, तो दीनदार लड़की को तरजीह दो, तेरे हाथ खाक आलूद हो जाए। यानी अगर तू दीनदार लड़की को तरजीह नहीं देगा तो तेरा घर आबादी के बजाय बर्बादी होगा और तेरे हाथ खाक आलूद हो जाएंगे, यानी तू जलील किया जाएगा समाज के अंदर और बहुत सारी मुसीबतें तेरे सामने खड़ी हो जाएंगी। पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कचहरी में जाना पड़ेगा, बदमाश लग जाएंगे तुझे मारने के लिए। इसलिए कि दीन को तरजीह नहीं दिया। यही है हाथ के खाक आलूद होने का मतलब, यह है कि तू जलील हो जाए, जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर बन जाएगी अगर तू दीनदार लड़की को तरजीह नहीं दिया। फस्फर बिजाति दीन तरीबत अदा। और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी दुनिया ये माल है, पूरी दुनिया ये माल है। वह खैरु मताउ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, और दुनिया का सबसे बेहतरीन माल क्या है, नेक औरत है। अगर औरत किसी को नेक मिल गई तो दुनिया में उसकी जिंदगी इंतहाई आसान हो जाती है, आराम चैन सुकून इत्मीनान अजीब व गरीब जिंदगी होती है, एक बेहतरीन अंदाज में जीता है। लेकिन अगर नालायक मिल गई, अच्छे आमाल उसके नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि दुनिया जहन्नम के कढ़ों में से कढ़ा बन जाएगा उसके लिए, और डेली झगड़ा मार पीट, खाने के सिलसिले में, कपड़े के सिलसिले में खींचा तानी और खानदानी रिश्तों के हिसाब से लोग एक दूसरे को जमा करेंगे, अपना पावर बताएंगे, यही होता है। सबसे बेहतरीन माल दुनिया का क्या है, नेक औरत है, जिसका रिश्ता दीन से मजबूत हो। और अगर नेक औरत नहीं है तो फिर खाना बर्बादी है, आबादी नहीं हो सकती है। यह है मेयारे निकाह जो औरतों के सिलसिले में। अब आप देखिए निकाह आसान कितना है, जिसे हमने मुश्किल बनाया हुआ है वो आसान कितना है, कितना ज्यादा आसान है। एक सहाबी का वाक्य देखिए, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु निकाह कर चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपके कपड़े पर जर्द रंग की खुशबू का असर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, महयन या अब्दुर्रहमान ये क्या है, ये खुशबू का निशान क्या है? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, तज़व्वजतु अंसारियतन, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने एक अंसारिया औरत से निकाह कर लिया है। सोचिए हम होते तो क्या कहते, अरे यार कैसी निकाह किया, ना मंगनी में पूछा ना बारात में, ये कौन सी निकाह किया, कुछ पता ही नहीं चला निकाह हो रही क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि मंगनी और बारात ये शरीयत में है नहीं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज के बारे में कोई सवाल नहीं किया, बल्कि क्या कहा, औलिम वलव बिशाति, कि तुम वलीमा करो चाहे एक बकरी ही जबा करो। और बकरी का नाम क्यों लिया, इसलिए कि वो साहिबे इस्तेताअत थे, मजबूत पॉइंट था, इसलिए बकरी का आपने नाम लिया। अगर वो पॉइंट मजबूत नहीं होता तो फिर चाय पर चाय भी पिलाया जा सकता है, नाश्ते भी कराए जा सकते हैं वलीमे के सिलसिले में, जरूरी नहीं है कि आदमी गोश्त ही का इंतजाम करे, है ना। कितनी आसान निकाह बताइए, मदीना में निकाह हो रही है और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, आपने उनके खुशबू के असर से सवाल किया तो आपको मालूम हुआ, तज़व्वजतु अंसारियतन, ऐ अल्लाह के नबी एक अंसारिया और से मैंने निकाह कर लिया। इस तरह आसान है ये निकाह, और जो जितनी आसानी से निकाह होगी उतना ही ज्यादा खैर बरकत उसके अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन निकाही बरकतन अयसरुहा मुहूर्तन, निकाह सबसे बेहतरीन निकाह खैर बरकत के एतबार से वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, सबसे कम खर्च हो। लेकिन हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं तब ये समझते हैं कि लोगों में गिना जाऊंगा मैं, अपने दौलत का शो करते हैं लोग और नुमाइश करते हैं अपने दौलत का, ये नुमाइश करना ठीक नहीं है भाइयों। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन पूछेगा आपसे, ये जो नुमाइश हो रही है, और नुमाइश यहाँ तक होती है कि बाकायदा शादी हाल के गेट पर लौंडियां इस्तेमाल के लिए खड़ी होती हैं, फूल की पर खड़ियां लेकर के, यहां तक नुमाइश होती है। बताइए कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इस दौलत के बारे में पूछेगा, मिन अयना इक्तसबहु वफीमा अनफकहु, कहां से कमाया इसको और खर्च कहां किया, तो क्या कहेंगे कि गेट पर शादी के लौंडियां खड़ी करके इस्तेमाल करवा रहा था। बताइए अल्लाह ताला गर्दन नाम नहीं देगा और क्या करेगा। ये हालात हैं, और इन हालात को सामने रखते हुए चूंकि हम अहलुल हदीस हैं, कुरान और हदीस को पाबंदी के साथ मजबूती के साथ पकड़ने वाली हमारी ये जमात है, इसलिए हमें हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम खुद अपनी इस्लाह करें और अपने भाइयों की और दीगर मिलने वाले दोस्त अहबाब की भी इस्लाह करें, हमारी जिम्मेदारी है। तो निकाह कितना आसान हुआ, जो आसानी आपके सामने आ गई, एक औरत आई। लोग कहते हैं कि किसी मालदार लड़के से जब निकाह करेंगे तो मेरी बेटी का महर बहुत ज्यादा देगा, वो 10 तोला 5 तोला 20 तोला सोने की शक्ल में महर होगी। आपको एक बात बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, कामत तवीलन, बहुत देर तक खड़ी है और कहती है कि अल्लाह के नबी, मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो नहीं की। चुनांचे एक सहाबी जो आपके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, अगर आपको इस औरत की जरूरत ना हो तो इसकी निकाह आप मुझसे कर दीजिए,
मुझसे कर दीजिए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि महार में देने के लिए कुछ है? बोले अल्लाह के नबी कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है? आपने फरमाया इल्तमिस वलौ खातमन मिन हदीद, जा अपने घर में तलाश कर, देख अगर लोहे की अंगूठी भी मिल जाती है तो ले आ। लोहे की अंगूठी की कोई हैसियत है? एक रुपए में मिल जाएगी लोहे की अंगूठी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा और लोहे की अंगूठी भी मिलती है तो लेके आ। गया, देखा कुछ नहीं, कहा अल्लाह के नबी नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले यही एक चद्दर है जो बदन पे ओढ़े हुए हूं, इसका दो टुकड़ा कर दो, निस्फ बीवी का महर बना दो और निस्फ मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो टुकड़ा करने के बाद तो फिर ये किसी काम का नहीं होगा, ना तुम्हारे काम का ना उसके काम का। एक बात बताओ कि कुरान कुछ याद है? बोले हाँ, फला फला सूरह याद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ यही सूरतें अपने बीवी को याद करा देना, यही महर है, यही महर है तुम्हारा, ये आसान निकाह है जिसे हमने मुश्किल बनाया हुआ है, मुश्किल बना दिया एकदम, इतना मुश्किल कि एक मीडियम तबके का आदमी अगर है तो ना वो बुलंदी को छू सकता है और ना पस्ती की जिल्लत को पकड़ सकता है। परेशान है बेचारा, इसमें दुकान बिकती है, मकान बिकते हैं और मकरूज होता है आदमी, ब्याज पर पैसे लेता है। ये शादी खाना आबादी है या बर्बादी है? ये बर्बादी तो है। दुकान बिक गई, मकान बिक गया, ब्याज पर पैसा ले लिया, कर्ज ले लिया लोगों से, ये कहते हुए कह रहे मेरी इज्जत का मसला है भाई, मेरी इज्जत का मसला है। कल अगर नहीं दे पाएगा तो इज्जत नीलाम होगी कि नहीं होगी, बताइए? क्या पता कर दे पाए ना दे पाए। जो शादी इतना आसान है कि एक लोहे की अंगूठी तक पर निकाह मुमकिन है, उसे इतना मुश्किल बना दिया कि दुकान और मकान भी बेचवा रही हो। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्या हम सलमान नहीं? क्या हम सहाबा की सीरत को पढ़ते नहीं? क्या हम नबी के तरीके को पढ़ते नहीं? क्या हम सहाबा और नबी के मनहज और तरीके पर चलने का दावा नहीं करते? दावा करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हम जबानी दावा खाली करते हैं, हमारा अमल नहीं है भाइयों। ये आसान निकाह है। आपको एक बात बताऊं, हजरते अबू तलहा, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वो हालत कुफ्र में थे तो उन्होंने उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा। तो जब निकाह का पैगाम भेजा तो उम्मे सुलेम ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी बात को तो रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम हालत कुफ्र में हो और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरी निकाह तुमसे नहीं हो सकती, इल्ला ये कि तुम कलिमा पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तो तुम्हारा यही कलिमा पढ़ना और ईमान लाना यही महर है हमारा, हमें किसी महर की कोई ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर उनको कोई फायदा समझ में आया, महर लेती 2,000-5,000 कुछ तो मिलता बेचारी को, लेकिन उसने दुनिया के इस जाहिरी फायदे को लात मारते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा यही ईमान लाना, कलिमा पढ़ लेना, यही हमारा महक के महर है और हमें किसी महर की कोई जरूरत नहीं। ये तरीका था सहाबा का और सहाबिया का। आज हम किस हिसाब के निकाह करते हैं अंदाजा कर लीजिए। ये हो गया आसान निकाह क्या है, समझ में बात आ गई। निकाह के अंदर मुश्किलात क्या हैं, मुश्किल क्या है? देखिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं अंसारी औरत से निकाह करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नजर तो इलैहा, क्या उसको देखा? बोले नहीं। बोले फंजुर इलैहा, उसको देख ले, इसलिए कि अंसारिया औरतों की आंखों में कुछ होता है, यानी आंखें छोटी होती हैं या आंखों में दाना होता है, कुछ होता है। आपने कहा बीमारी वासे नहीं थी, इसलिए देख ले उसको। चुनांचे इस हदीस से क्या मिला? एक मसला ये मिल गया कि वो लड़का जिसकी निकाह होने वाली है, निकाह होने से पहले अपनी बनने वाली बीवी को देख सकता है। कहाँ? घर वालों की मौजूदगी में, अकेले नहीं, माँ की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में, बहन भाइयों की मौजूदगी में वो उस लड़की को देख सकता है जिससे निकाह होना मुतवक्के है। ये मसला मिल गया। आज समाज क्या कर रहा है बताइए? लड़के को घर पे बिठा दिया जिसको देखने का हुक्म दिया शरीयत ने, और बाकी एक लश्कर जीप में भर करके औरतों की शक्ल में, कोई नानी है, कोई दादी है, कोई फूफी है, कोई खाला है, कोई क्यों है, कोई है, क्या है बताइए? जिसको शरीयत ने कहा कि वो देख सकता है, वो घर पे चौकीदारी कर रहा है, और बाकी लोग जीप में भर करके एक आसमानी तूफान की तरह उस घर के ऊपर नुज़ूल करते हैं। क्या करने जाते हैं ये? ये खाली अंडा उबला हुआ खाने जाते हैं, और खाली नमकीन और भुना हुआ काजू बादाम खाने जाते हैं, और क्या करने जाते हैं? लड़की देखने जाते हैं। देखिए पॉइंट क्या आ जाते हैं, लड़का अगर देखता है तो उसका एक ही जहन है, एक ही निगाह है, उसे लड़की जल्दी समझ में आ सकती है। लेकिन लड़के को जब साइड कर दिया, बहुत सारे लोग जब गए देखने तो क्या नुकसान है जानते हैं? जब 10 लोग हैं तो 10 तरह की मिजाज है, 10 तरह की निगाहें हैं, किसी को लंबी नाक पसंद है, किसी को गोल पसंद है, किसी को चेहरा लंबा, किसी को गोल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, मुख्तलिफ जहन को लेकर के जब घरों के अंदर लोग नुज़ूल करते हैं तो फिर उस वक्त लड़की अक्सर आउट हो जाती है। कोई कहता है ठीक है, कोई कहता नहीं नहीं, नाक ऐसी है उसकी, नहीं ठीक है, क्योंकि उस मिजाज अलग अलग है लोगों का। जिसको देखने की शरीयत ने हुक्म दिया था, इजाजत दिया था, उसे तो चौकीदारी करा रहे हैं। बताइए क्या तरीका है? ये तरीका है, ये तरीका इस्लाम ने दिया, ये इस्लाम ने तरीका नहीं सिखाया, बल्कि हमारी मगरबी तहजीब ने ये तरीका सिखाया कि जाओ छानो फूको और खूब अंडा खाओ, नमकीन खाओ। ये क्या है? फिर उसके बाद चलो ठीक है, खुदा ना खास्ता बात समझ में आ गई, लड़की समझ में आ गई, तो अब क्या होता है? मुश्किल बढ़ गई। क्या? टेलीफोन लड़के के हाथ में दे दिया, लड़की के हाथ में दे दिया, निकाह नहीं हुई, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक एक बजे, दो दो बजे, तीन तीन बजे रात तक। और ताज्जुब तो यह है कि वालिदैन को इस बात का पता भी होता है, लेकिन इतने बेगैरत हैं कि उन्हें गैरत और शर्म नहीं आती कि लड़कियों को बगैर निकाह के उस लड़के से बात करने की इजाजत दे देते हैं। उन्हें गैरत नहीं आती, गैरत आनी चाहिए। जब तक निकाह नहीं होती, वो लड़का अजनबी है, उससे बात बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन बात तो छोड़ो, कुछ लोग थोड़ा और ज्यादा एडवांस हैं तो एडवांस इतने हो जाते हैं कि पिकनिक तक भेजने लगते हैं, जहां पिकनिक हो गया,
अब पिकनिक पिकनिक में क्या होता है, शेर हमले कर देता है, फिर रिश्ता खत्म। एक मरता मैं गया था क्रिकेट में पढ़ाने, तो एक लड़का आया, उसने कहा हजरत एक मसला बताइए। ऐसा हाँ रहा था बेचारा, तो बोला क्या बात, बोलो तो क्या बात है। तो बोले हजरत मेरी एक लड़की से मंगनी हो गई थी और हमें दूसरे के साथ घूमने लगे, लड़की हामिला हो गई, फौरन मैंने उससे निकाह कर लिया, अभी क्या करूं। निकाह भी क्या करेगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो जो हुआ हुआ, अभी तो हमल पैदा होने दे, उसका इस्तेबराए रहम होने दे, रहम जब तक पाक नहीं होगा हालत हमल में निकाह नहीं होगी। अभी जिल्लत का तौक बाकी है जो गले में तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के गले में लटकने वाला है, समझे। हालत हमल में किसी और से निकाह नहीं होगी जब तक कि उसका रहम पाक ना हो जाए, उसकी डिलीवरी होने दे पहले, उसके बाद निकाह कर लेना जब उसका रहम पाक हो जाएगा। यह है समाज, यह है हम मुसलमान, यह है हमारा तरीका और यह है हमारी शरीयत, जिसके हम दिलदादा हैं और जिसका दावा करते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये मुसीबत है। दूसरी मुसीबत क्या है, मंगनी। मंगनी में क्या है, खूब जोरदार इस्तकबाल होता है। अगर मंगनी में इस्तकबाल मजबूत नहीं हुआ तो लोग कहते हैं क्या कि यार मंगनी नहीं कर सकता तो शादी क्या करेगा, बारातियों को कैसे संभाल सकता है, खाली हमारे बारातियों को संभाल लेना बस। अरे तुम कौन हो भैया, टिड्डी दल के लश्कर हो कि सुलेमानी लश्कर हो, सुलेमान का लश्कर तो नहीं है जो जानवरों को रौंदता हुआ और उसके बाद चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि कौन नीचे दबा कौन कुचला। ये हालात है, बताइए। मगनी के बाद भी रिश्ते कट जाते हैं। मगनी मगनी क्या है, ये तिलक है। तिलक जैसे हिंदुओं के यहाँ जिसे तिलक कहते हैं, उसे मुसलमानों के यहाँ मगनी कहते हैं। ये शादी का एक मुकदमा है, लेकिन ये उन्हीं हिंदुओं के समाज से हमारे यहाँ आया। अल्लाह ताला हमें इस बला से महफूज रखे, जो मगनी की बला है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी। क्या चाहिए जानते हो, दूल्हे का जोड़ा अलग और दूल्हे के बाप का जोड़ा अलग, उसकी माँ का जोड़ा। खाना भी खिलाओ, लिफाफे भी दो, पैसा भी दो, कपड़ा भी दो, ये सब फकीरों की एक जमात है जो आई है यहाँ। जैसे हाजी अली के फकीर लोग होते हैं ना, अगर दावत लेने चले जाओ तो पहले कहते हैं कि पहले बताओ क्या है वो बता दो, फिर कहेंगे भाड़ा लाओ, भाड़ा लाओ, पहले भाड़ा दो, ये क्या है, खाना भी खाया भाड़ा भी लिया। ऐसे एक मिनट आखिरी मरहले में चल रहा हूँ, बात खत्म कर देता हूँ। ये हालात हैं। तो ये मगनी है जो गैर मुस्लिमों से हमारे यहाँ आई है, इस चीज को छोड़ देना बहुत जरूरी है। फिर बारात है, ये बहुत बहुत बुरी हरकत है। बताइए लड़की वाले ने बारातियों में से किसी को दावत दिया है, नहीं, लड़के वाला उसको बटोर के ले जा रहा है और बगैर दावत के किसी के यहाँ अगर कोई खाना खाए तो वो डाकू है। वो कैसे हिम्मत करता है कि उसके यहाँ जाकर के खाना खा ले बगैर बुलाए हुए, मजबूर है आदमी, क्या करेगा, लड़की का रिश्ता कट हो जाएगा, अभी क्या करे, लश्कर लेकर के आदमी करता है। और बारातियों का नखरा जानते हैं, ओहो वो तो अजीबो गरीब होते हैं, उनका नखरा तो अजीब है, नखरा ही नहीं बेचारा, उनकी उनकी शानो शौकत तो अजीबो गरीब है। उसके बाद जहेज कितनी बड़ी लानत है। आज जहेज एक लानत बन करके समाज के ऊपर मुसल्लत है। क्यों, इसलिए कि हमने लड़कियों की मीरास को हड़प किया। लड़कियों की जो मीरास शरीयत ने मुतायन की थी उसको हमने हड़प कर लिया, तो उसके हड़प के बदले अल्लाह ताला ने जहेज जैसी लानत को इंसानों पे मुसल्लत कर दिया और
जहेज भी देते हैं और मीरास भी, गला पकड़े हुए कि कल कयामत के दिन मिलूंगी। नहीं, जहेज देने से मीरास हल हो जाएगी? जहेज चाहे जितना दे दो, क्या मीरास खत्म हो जाएगी? नहीं, जहेज भी दिया और मीरास घूम पकड़े खड़ी हुई है कि कल कयामत के दिन मिलूंगी, फिर क्या होगा? दही जहेज भी दिया और मीरास भी लटकी हुई है, मीरास देना चालू करो और जहेज की लानत को बंद करो। ये हमारा तरीका है जो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और इसराफ न किया जाए, इसराफ न किया जाए, बेजा खर्च शादियों के अंदर झाड़ फन्नों सजावट और जो जरूरत की चीज नहीं है वो भी लटक रही है चारों तरफ से, फव्वारे हैं तो कहीं और कुछ है, तो कहीं और कुछ है, कहीं पानी पूरी लगी है तो कहीं जलेबी चल रही है तो कहीं कुछ हो रहा है, सब क्या है, क्या है? ये तरीका किसने दिया? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। उतना करो जितना आपकी हैसियत और आपकी ताकत इजाजत देती है, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। और शरीयत के हद में कोई भी काम करने की कोशिश की जाए, मेरे भाई और दोस्तों, ये तो है ही है। उसके बाद एक लानत और आती है, क्या? शादी के एक दो दिन पहले हल्दी और मेहंदी का रसम। हल्दी मेहंदी क्या है जानते हैं? गैर मुस्लिमों के यहाँ एक अकीदा है कि शादी के अंदर जिसको हल्दी ना लगे वो पक्का हिंदू नहीं। पक्का हिंदू कब होगा? जब उसको शादी के पहले हल्दी लग जाए। आज हमारे यहाँ भी हुई, शादी के एक दो दिन पहले शर्म और हया की सारी हदों को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद हल्दी की रस्म चालू की जाती है। उनको लगा रहा, उनको लगा रही, उनको पकड़ रहा, उनको पकड़ रहा, पूरा होली खेली जाती है। ऐसा लगता है कि इस्लाम के नाम पर होली होली खेली जा रही है। हल्दी हल्दी इस तरीके से लोग एक दूसरे को लगाते हैं, क्या ये तरीका सही है? ये तरीका किसने दिया? ये गैर मुस्लिमों ने हमको दिया, जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमने उसको एक लाजमी जुज पकड़ लिया है। अगर हल्दी मेहंदी की शादी ही ना मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद ये शहर है, शहर में तो समझ लीजिए कि उस लानत से लोग बचे हुए हैं, लेकिन गांव और देहातों में जो शादी होती है, खाना खाया तो उस मौके पर लिया, जहेज का नाम लेकर के लिया, मगनी में लिया, पूरा चर डाला घर को, लेकिन थोड़ा सा जो बचा हुआ हिस्सा है उसको चरने की कोशिश करता है। किस नाम से? दूल्हे के चंदे के नाम से, दूल्हे का चंदा। कैसे? यहाँ शहरों में तो नहीं, लेकिन देहातों में सिलसिला होता है, क्या? कि आखिर में ऐलान किया जाता है कि दूल्हा आने वाला। अब वो दूल्हा आता है कहाँ? आंगन में चारपाई बिछाई जाती है, औरतें उसको घेरती हैं। क्या है कि बदतमीजी की इजाजत किसने दी है? इस बेहुदा अमल की इजाजत कौन देता है? वो कौन सी शरीयत है जो तुम्हें आजाद कर रही है कि इस तरह से गैर मुहरिम मर्द को बैठा करके अपने औरतों को पेश करो और वो औरतें कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई अटैची, कोई बैग, कोई कुछ, सब लाला करके उसको देती है चंदे में, चंदा उसको दे दिया जाता है। और उसके बाद कोई उसकी मिठाई उसेड़ रहा मुंह में तो किसी को पकड़ रहा है, तो किसी को पकड़ रही है। ये तरीका, इस बेहुदा अमल और इस बेहुदा तरीके की इजाजत कौन देता है? क्या शरीयत, शरीयत इस्लामिया इस चीज की इजाजत देती है? शर्म और हया की सारी हदें तोड़ दी जाती है। इतना बेगैरत है वो मर्द जो अपनी औरतों को, जो अपनी औरत को उस गैर महरिम मर्द के सामने पेश करता है और लोग कहते हैं कि दूल्हे की भाभी है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस तरह के रस्मों रिवाज से महफूज रखे और सही और सीधे तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा गया इस दुनिया में? इसीलिए ताकि
इंसानों ने गलत रस्मों रिवाज की जो बेड़ियां अपने पैरों में पहने हुए हैं, इज़िल अगलालु फी अनाकहिम, यानी अपने अपने पैरों में जो गलत रस्मों रिवाज की बेड़ियां और अपने गले में जो गलत रस्मों रिवाज का जो तव पहने हुए हैं, इन बेड़ियों को काट डाला जाए और रस्मों रिवाज के तव को तोड़ डाला जाए और सही और इस्लामी तरीके के मुताबिक अल्लाह की मर्ज़ी की राह उन इंसानों को दिखाई जाए और उन्हें सिरात मुस्तकीम पर कायम किया जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वह अजर अजीम के मुस्तहिक बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन।